हर 15 साल के बाद जो है वो जनरेशन्स चेंज हो जाती है, जनरेशन्स का नेम चेंज हो जाता है और जनरेशन का एक एरा चेंज हो जाता है हर 15 साल के बाद। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे जनरेशन्स के ऊपर बात करेंगे। हम लोग समझेंगे हर एक जनरेशन ने अपने टाइम पर क्या प्रॉब्लम फेस किया, आपके पेरेंट्स कौन से जनरेशन्स के थे और उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की, हम लोग कौन से जनरेशन में बिलोंग करते हैं और हमारे फ्यूचर वाले आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करेंगे, हम इनके ऊपर बात करेंगे। देखिए, इसीलिए जनरेशन को समझना जरूरी है कि एक्चुअली में उस टाइम के लोगों ने क्या रिएक्ट किया होगा और कैसे जिए होंगे वो डिपेंड ही करता है कि वो कौन सी जनरेशन और एरा में पैदा हुए थे या कौन सी जनरेशन को वो जी के गए हैं। ये तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि उन्होंने एक्चुअली में क्या अचीव किया होगा और कैसे अचीव किया होगा। देखिए, जनरेशन को समझना जरूरी क्यों होता है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि हम कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तब तक हम उसका सॉल्यूशंस लेने की भी कोशिश नहीं करते कई बार। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हर 15 साल में जो है जनरेशन चेंज होती है, तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वर्ल्ड वॉर के टाइम से। सबसे पहली जनरेशन जो आती है जिसे हम साइलेंट जनरेशन बोलते हैं वो आती है 1928 से लेके 15 साल आप उसमें जोड़ लीजिए 1945 तक। साइलेंट जनरेशन जो है उन्होंने जो मोस्टली जो प्रॉब्लम फेस की थी अपने टाइम पर वो वर्ल्ड वॉर की थी, वर्ल्ड वॉर 2 की जो लड़ाई हुई थी वो की थी, और दूसरा किया था इकोनॉमिकल क्राइसिस, मतलब पैसे की जो है तंगी जो है उन्होंने पूरे यूनिवर्स लेवल पे, आप कह सकते हो पूरे प्लेनेट के लेवल पे जो है ये सबने जो है वो प्रॉब्लम फेस की थी। उसके बाद की जो जनरेशन आई जिसे हम बोलते हैं बेबी बूमर जनरेशन, बेबी बूमर जनरेशन जो है वो 1946 से स्टार्ट होती है, 1946 से ये जाएगी 15 साल अगर आप जोड़ोगे तो 1964 तक। इसमें अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लोगों के जो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दादा दादी जो होते हैं वो लाए करते हैं इस जनरेशन में, जिसे हम बोलते हैं बेबी बूमर जनरेशन। अभी आप एक चीज नोटिस करना, सिंपल सी चीज आप लोग को बताता हूं, मैंने क्या बोला कौन सी जनरेशन 1946 से लेके 1964 तक, 1946 मतलब कि इससे जस्ट एक साल बाद इंडिया आजाद हो गया था, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, और 1950 में हम रिपब्लिक हुए थे, मतलब हमारी जो कानून है वो बनना स्टार्ट हुआ था, लॉ जो है वो आया था, तो 1947 में इंडिया आजाद हुआ था। तो उस टाइम के लोगों ने क्या ही झेला होगा, आप लॉजिकली सोचो, उन लोगों ने झेला होगा उस टाइम पर सिविल राइट्स मूवमेंट झेले होंगे, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए होंगे उस टाइम पर जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम के लोगों ने क्या झेला, अपना हक लेना, और जैसे कि उनको इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, और दूसरा अपना हक लेना उसमें भी, इंडिया में भी अपना हक लेना, फिर जो है वो कंट्री डिवाइड हुई, अलग हुए हमसे, 2-3 कंट्रीज जो है वो अलग बनी, तो ये सब चीज़ें जो है वो उस टाइम के लोगों ने, मतलब आपके दादा या ग्रैंडफादर के एज के लोगों ने जो है वो झेली होगी। अगर आपकी एज मेरी जितनी है, तो मेरी एज जो है अगर मैं बताऊं तो 27 है, तो अगर आपकी एज इतनी है तो आपके दादा इसमें लाए किए होंगे, बेबी बूमर जनरेशन में उन लोगों ने आज़ादी का टाइम देखा होगा। अभी आते हैं फिर आपके फादर की एज, आपके फादर और मदर जो है वो जनरली इसमें लाए कर रहे होंगे, जो कि आता है 1965 से 1980 तक, ठीक है। जैसे कि मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं मेरी, तो मेरे फादर तो इसी में लाए करते हैं 1967 में। यहां से स्टार्ट हुई जनरेशन का नाम देना, जनरेशन एक्स, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो वाई, और फिर जेड, है ना। तो जनरेशन एक्स इस जनरेशन को बोला गया। ये जो जनरेशन है इन लोग ने क्या झेला, इन लोग ने झेला सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, इन लोग ने झेला पैसे की कमी और पैसे की इनइक्वालिटी, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास एकदम गरीबी, बिलो द पॉवर्टी लाइन की हालत है। जैसे जब देश आजाद हुआ होगा तो कोई जमींदार रहा होगा तो उसके पास बहुत सारी जमीन मिल गई होगी उसको, तो इनइक्वालिटी तो आनी थी, तो वहां पर इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी आ गई। दूसरा, उस टाइम पर लोगों ने पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट किया, तो आप अब देखोगे कि देश आजाद हो चुका है तो अभी कंट्रोलिंग पावर आ रही है, तो लोगों ने अपने पॉपुलेशन बढ़ानी स्टार्ट की, तो यहां पर एड्स के चांसेस बढ़े। तो दो प्रॉब्लम, दो चैलेंजेस जो हैं वो इस जनरेशन ने झेला। तो अगर आप देखोगे कि बहुत सारे आपके पेरेंट्स होंगे जो गांव में रहते होंगे, शहर में उन्होंने शिफ्ट किया और आज खुद का एक मुकाम है, आज खुद का एक उन्होंने ओहदा हासिल किया है, खुद का पैसा बनाया है, खुद की जमीन बनाई है, उन्होंने गरीबी देखी है और गरीबी से वो आज इस फेज में आए हैं, या तो मिडिल क्लास फेज में आए हैं या हायर इनकम के फेज में आए हैं। अब आती है मेरी जनरेशन जिसे हम बोलते हैं जनरेशन वाई। जनरेशन वाई जो है वो स्टार्ट होती है 1986 से 1996 तक। मेरा डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो 1995 में लाया करता है, तो मैं इस जनरेशन वाई में आता हूं। इसको जो है हम मिलेनियल्स जो है वो जनरेशन भी बोलते हैं। देखिए, इस जनरेशन वाई के पास क्या इन्होंने प्रॉब्लम फेस की होगी, जनरली इन्होंने ज्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो इनके जो, मतलब मेरे जो एंसिस्टर्स रहे, मेरे जो ग्रैंडफादर्स रहे, मेरे जो फादर रहे, उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को झेला, तो जो हमें मिला ना वो उनके सेक्रीफाइसेस का बेटर लाइफस्टाइल मिला। जब मेरे फादर गांव से उठ के शहर में आए, उन्होंने पैसा कमाया, तो उस पैसे को जीने की आज़ादी मुझे मिली, ठीक है। तो ये जो जनरेशन वाई में जो लाए करते हैं ना,
वो आप जनरली देखना कि उनको एक बेटर लाइफस्टाइल मिली। आई एम सेइंग अबाउट बेटर लाइफस्टाइल प्रीवियस जनरेशन से, जहां आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा, वर्ल्ड वॉर के लिए लड़ना पड़ा, आपके पेरेंट्स को पैसे के लिए लड़ना पड़ा, लेकिन हमें उनका सबका बेटर वर्जन मिला ड्यू टू देयर सेक्रीफाइसेस। उन्होंने सेक्रीफाइस किया इसीलिए। फिर वहीं पर ही आप देखोगे हमारी जो जनरेशन होती है, जो जनरेशन वाई होती है, एम्बिशियस और साथ ही साथ जो है वो रिस्क टेकर मानी जाती है। ये लोग रिस्क बहुत लेते हैं, क्यों? क्योंकि एम्बिशियस हैं इसलिए रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो इनको उसके आगे का सोचना है। फिर आता है यहां पर सबसे फेमस, जो सबसे कॉमन है, जिस पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो है जेन जी, जिसे हम बोलते हैं जनरेशन जेड। जेड की अगर हम बात करें तो यहां से स्टार्ट होता है 1997 से, और इस 1997 में अगर आप 15 साल जोड़ते हो तो ये 2012 तक जो है वो खत्म होता है। इस जनरेशन को जो है वो जेन जी बोला जाता है। इस टाइमलाइन में जो भी स्टूडेंट्स या जो बच्चे जो हैं या जो लोग जो हैं वो जो पैदा हुए, जो बॉर्न हुए, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड पैदा हुए, सबसे ज़्यादा एंजाइटी, सबसे ज़्यादा फियर, सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी इन जनरेशन्स को थी। क्यों थी? क्योंकि इनके जनरेशन के टाइम पर अगर आप नोटिस करोगे तो इनके जनरेशन के टाइम पर डिजिटल बूम आया, क्योंकि हमें तो बेटर लाइफ मिला हमारे प्रीवियस एंसेस्टर्स का और हमारे पेरेंट्स का, लेकिन हमसे जो आगे आए वो आए डिजिटल एरा। जब डिजिटल एरा आना स्टार्ट हुआ, रोबोटिक आर्म्स आने स्टार्ट हुए, जैसे फैक्ट्री में पहले फैक्ट्री वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन उनको हटा के गाड़ी को पेंट करने के लिए रोबोटिक आर्म्स आ गए, तो ऑटोमेशन आना स्टार्ट हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट AI, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोमेशन आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, रिपीटेटिव काम को हटाना स्टार्ट किया गया। तो जो डिजिटल एरा था ना, इसके थ्रू इनके पास मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ओवरलोड हुए। अब ओवरलोड होने से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हम कौन से पाथ में जाएं। तो अगर इस जनरेशन को देखा जाए तो डिप्रेशन में क्यों रहती है या एंजाइटी में क्यों रहती है, वो इसलिए क्योंकि इनके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होता, इनके पास इनसिक्योरिटी ज़्यादा है और इनके पास एक डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि इतनी इनके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इनको डायरेक्शन क्या लेना है। अब डिजिटल एरा आया, इनके पास एक न्यूज़ आई, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, इनके पास एक न्यूज़ आई, ठीक है, उस न्यूज़ को देख के इन्होंने एक धारणा बना ली, इन्होंने एक मन बना लिया कि अब हम इस देश को आज़ाद करेंगे या अब हम इस देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। दो दिन के बाद उसी पे ही न्यूज़ पे आता है कि ये न्यूज़ फेक थी, तो इनका सब कुछ उलट पुलट हो गया। दो दिन तक ये जो ब्रेन वॉश कर रहे थे या माइंड वॉश कर रहे थे या अपने आप को रेडी टू बिल्ड कर रहे थे कि हाँ हमने जो सीखा हम देश के लिए कुछ करेंगे, तो इस टाइप से ना इनके पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। गलत है या सही है दैट्स इज टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन इनके पास ओवरलोड था। इस टाइम की जनरेशन जो है वो मोस्टली 4 से 6 आवर्स जो है वो अपना स्क्रीन टाइम देती थी। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो स्टडी है, ग्लोबल स्टडी अगर देखोगे और PEW की अगर आप स्टडी देखोगे तो वो क्लियरली मेंशन करती है और बताती है कि ऑलमोस्ट, क्योंकि जो बच्चे थे जो उनमें से ना हाई स्कूल के जो 12th तक पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनमें से ऑलमोस्ट 18% बच्चे जो हैं वो सुसाइडल थॉट्स रखते थे। 18% का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं, हर पाँच में से एक बच्चा को जो वो सुसाइडल थॉट्स आते थे मरने की, ठीक है। इसमें भी अगर आप प्रॉब्लम्स देखोगे तो इसमें ये था कि उनमें से भी 8% 8.8 या 8.9 जो है, जो PEW जो है अपना रिसर्च बताती है, उन्होंने अटेम्प्ट भी किया, सिर्फ थॉट्स ही नहीं आए उन्होंने अटेम्प्ट भी किया। सो कहने का मतलब है ये इतनी डिप्रेस थी। क्यों थी डिप्रेस? डिजिटल एरा आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना बूम करना स्टार्ट किया। तो सोशल मीडिया का पहला मकसद क्या था? सोशली अवेलेबल कराना। अभी तक आप अपने आजू बाजू के लोगों से मिल रहे हो, अभी तक आप क्या खेल रहे हो? जैसे अगर हमारी जनरेशन की बात करोगे, जो वाई जनरेशन थी, अभी तक हम लोग क्या खेल रहे थे? छुपन छुपाई, जिसे आप हाइड एंड सीक बोलते हो, पकड़म पकड़ाई, है ना, और आप बर्फ पानी खेल रहे हो, आइस एंड वाटर जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मारम पिट्टी खेल रहे हो, वो बॉल से सेकना, जिसे हम सेकाई बोलते हैं, बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम है, पिट्ठू ग्राम खेलना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम ज़्यादा आउटडोर फिजिकल वर्क में रहने लग गए, लेकिन जब इनके पास आया तो इनके पास डिजिटल एरा आया। इन लोग ने करना क्या स्टार्ट किया? इनके पास जो गेम खेलना है इन लोग को ऑनलाइन खेलना है, जो शॉपिंग करनी है इन लोग को ऑनलाइन करनी है, जो खाना ऑर्डर करना है वो ऑनलाइन करना है, क्योंकि डिजिटल एरा आना स्टार्ट हुआ। तो इनके अंदर लेजीनेस स्टार्ट हुई, ये लेजी बनना स्टार्ट हुए। इस जनरेशन को सबसे ज़्यादा लेजी की वजह से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है ओबेसिटी की। तो ये जनरेशन सबसे ज़्यादा ओबेसिटी की शिकार है। दूसरा कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट की सबसे ज़्यादा शिकार है। 15 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, 18 साल के बच्चे को आप देखोगे तो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ जा रहा है और वो उनकी डायरेक्ट सडन डेथ हो जा रही है या फिर मेडिकल इमरजेंसी या नीड की जरूरत उनको पड़ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आई? क्योंकि ये इस जनरेशन में लाई किए जहां पर इनका डिजिटल एरा आया। इस जनरेशन के साथ एक और प्रॉब्लम जो आई, क्योंकि डिजिटल एरा आया तो ये गिग वर्कर्स बने। गिग वर्कर्स क्या बोलते हैं? अगर आपके मेरे आम भाषा में बोला जाए तो फ्रीलांसर्स बोला जाता है। ये फ्रीलांसर्स बने, इन लोग ने ट्रेडिशनल सारे अपने जो हैं वो बिलीफ को तोड़ा और ये एक नए अपने उसके साथ आए, जो कि था वर्क फ्रॉम होम कल्चर के साथ। अब इनमें क्या होता है, पहले के अगर कन्वेंशनल थॉट को देखोगे तो जॉब करनी है, जीवन भर जॉब करनी है,
पहले के कन्वेंशनल थॉट ये होते थे, या फिर दूसरा थॉट होता था कि किसी ने अपने आप को भगवान के नाम पे समर्पित कर दिया है, ना ऊपर वाले के नाम पे समर्पित कर दिया, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा लेकिन ऊपर वाले के नाम पे समर्पित कर दिया है, किसी ने अपने बीवी या बाल बच्चों के नाम पे समर्पित कर दिया है, तो उनके पास ना पर्पस ऑफ लाइफ भी हुआ करता था, पर्पस ऑफ लाइफ किसी भी रीजन से, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ हुआ करता था। हमारे पास पर्पस ऑफ लाइफ जो जेन जी है उनके पास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उन्होंने क्या किया, सबसे पहला उन्होंने जॉब छोड़ के, कन्वेंशनल थॉट के छोड़ के फ्रीलांस गिग वर्कर्स बने। इससे हुआ क्या, अब उनको कभी ना कभी, आज तक तो कमा रहे हैं लेकिन उनको टेंशन है कल की, क्योंकि कल क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। अभी जो नौकरी में क्या होता है कि नौकरी मिल गई है तो बचपन आप मरते दम तक करते रहो, जब तक आप रिटायरमेंट नहीं हो जाती, फिर आपको वहां से रिटायरमेंट प्लान के पैसे जो है वो पेंशन मिलती रहती थी, वो काम था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये गिग वर्कर्स बने तो इनको हर अगले दिन की एक टेंशन रहती है, तो इनको इनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इनको हमेशा से रही। दूसरा, क्योंकि इनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अगर जेन वाई की अगर बात करोगे, जनरेशन वाई की बात करोगे, तो वही अपने एनसिस्टर, जो मेरी जनरेशन थी, वही अपने एनसिस्टर या अपने पेरेंट्स के जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। तो हमारे बाद जो ये जेन जी आई, इनको तो और कोई प्रॉब्लम नहीं वो करनी है, ना देखनी है, ना चैलेंजेस फेस करने हैं। तो इन लोग का क्या हुआ, इन लोग का बिलीफ भी हटना स्टार्ट हुआ। पहले अगर आप अपने पेरेंट्स को देखोगे ना, तो आपके पेरेंट्स क्या है, कोई प्रॉब्लम आई तो ऊपर वाले को याद करने लगेंगे। अगर आप अपने ग्रैंडफादर को देखोगे तो उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है, या इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रही है, या इंडिपेंडेंस का टाइम आया, तो वो उस टाइम पे उनके पास प्रॉब्लम्स इतनी है तो वो ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। तो उनकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, उनकी स्ट्रांग होनी स्टार्ट हुई। लेकिन इस जनरेशन को क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इनका जो झुकाव है ना रिलीजन की तरफ वो भी हटना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इनकी उतनी बॉन्डिंग भी नहीं रही अपने गॉड के थ्रू। तो क्या है, इनका पर्पस ऑफ लाइफ वहाँ पर भी नहीं मिल रहा, काम में भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि काम में तो ये गिग वर्कर्स हैं, तो रोज़ की इनस्टेबिलिटी है फाइनेंशियल, ठीक है, वहाँ पर भी नहीं मिल रहा। इनकी जनरेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा हुई। क्यों हुई? क्योंकि इस टाइम पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरा, कॉम्पिटिशन बढ़ गया पढ़ाई में। क्यों बढ़ गया? क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो डिजिटल एरा के थ्रू इनके मोबाइल में ही आ गया, इनके लैपटॉप में ही आ गया, तो इनके साथ प्रॉब्लम इसीलिए ये इनको फेस करना जो है वो पड़ गया। तो ये सारी चीजों से अगर आप कंक्लूड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जेन जी के साथ जो है ना वो उनको एक नया एरा देखने को मिला, तो उनको समझ में नहीं आया कैसे बढ़ना है कैसे नहीं बढ़ना है। जो चीजें उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हुई वो उसके हिसाब से बढ़ना स्टार्ट हुए, इसलिए इनके पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना इनको कभी मिला ही नहीं। तो यहां पर इन लोग के लिए बोला गया कि इनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो सॉफ्ट स्किल्स की। ऑटोमेशन आ चुका था, तो ऑटोमेशन जो है वो इनकी जॉब को खा रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही थी, एकेडमिक्स टफनेस हो गई क्योंकि हर कोई अच्छा पढ़ने लग गया। मोबाइल में जब आपके पास एकेडमिक्स अच्छा आने लग गया, हर कोई पढ़ने लग गया डिजिटल एयर के थ्रू, तो कंपटीशन बढ़ने लग गया, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन की वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ने लग गया, तो उसकी वजह से जॉब कम हुई। ऑटोमेशन की वजह से, एकेडमिकल कॉम्पिटिशन की वजह से, या फिर पॉपुलेशन की वजह से जॉब कम हुई। तो अभी आप इसमें इशू जो है वो ये देखोगे कि इनको क्या चाहिए, इनको सॉफ्ट स्किल चाहिए। ओवरलोडेड तो ये है इन्फॉर्मेशन के साथ डिजिटल एरा में, लेकिन इनके पास नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है। हाउ टू नेटवर्क यूर सेल्फ, हाउ टू मार्केट यूर सेल्फ, है ना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इनके पास नहीं है। इनको दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है लेकिन बोलना नहीं आता पब्लिकली। इनके पास नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है। तो ये स्किल्स जो है ना उस टाइम पर काफी डिमांड में चली, कि जिसके पास ये स्किल्स है वो आगे सर्वाइव कर जाएगा, इस जनरेशन को सर्वाइव कर जाएगा। अब बात करते हैं इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, तो अब जो ये नेक्स्ट जनरेशन आई, इसको आप रफली अराउंड मान लो 2010 से मान लो, या 2013 से मान लो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो हमेशा रहा है, तो 2010 से काउंट कर लो आप, या 2013 से काउंट कर लो, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग ने बोला जनरेशन अल्फा। अगर आप 2010 से काउंट करते हो तो 2024 तक के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो इस जनरेशन अल्फा में आते हैं। जनरेशन अल्फा क्यों नाम रखा गया? क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर खत्म हो गया, एक्स वाई जेड नाम खत्म हो गया, तो नाम तो देना है, तो अल्फा बीटा ये ऐसे नाम जो है वो दिए गए, तो ये थे जनरेशन अल्फा नाम, ठीक है। जनरेशन अल्फा के लोगों को आप देखोगे तो इनको जो फेमसली कॉमनली जो जाना जाता है वो जाना जाता है स्क्रीन की वजह से। तो इनको बोला जाता है स्क्रीन एज एरा। स्क्रीन एज एरा मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्क्रीन पे निकालती है। लेकिन इनके साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इनके प्रीवियस जनरेशन के पास नहीं था, अगर आप देखोगे प्रीवियस जनरेशन के पास क्या नहीं था, सॉफ्ट स्किल्स नहीं थे इनके पास, है ना, वो इस जनरेशन अल्फा को मिला। तो इनके पास इस जनरेशन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला क्योंकि ये ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स बने।
2010 के बाद जो बच्चे पैदा हुए वो ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स बने, वो इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, उनके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, उनको ब्रांड इन्फ्लुएंस करना आता है, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, ये सारे स्किल्स थे जो जेंजी के पास नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जेंजी वालों के टाइम पर तो डिजिटल एरा आया था, लेकिन उसका बेनिफिट उठाया जनरेशन अल्फा वालों ने। तो जो जनरेशन अल्फा है उनको इन सब का प्रॉफिट मिला, इसलिए आप इसमें देखोगे ना जनरेशन अल्फा में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। क्या 10 साल का बच्चा 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, क्यों? अपनी इन्फ्लुएंसिंग पावर की वजह से, अपने डिजिटल एरा का बेनिफिट लेते हुए। तो ये इनके पास जो है वो बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या रही, इनके साथ जो चैलेंजेस है वो है कि इनको डिजिटल मतलब स्क्रीन एज एरा बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम देते हैं, ये ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे अपने स्क्रीन टाइम जो है वो उसमें बिताते हैं, ये एवरेज निकाला गया है। सोचो एक्सट्रीम वाला कितना देखता होगा और लोएस्ट वाला कितना देता होगा, तब जाके 9-10 घंटा निकला है एवरेज में। तो ये जो है वो डिजिटल मतलब जनरेशन अल्फा के साथ रहा, लेकिन जनरेशन अल्फा जो है वो हर एक चीज़ को ओवरकम कम कर गई जो जनरेशन जेड के पास या जेन जी के पास था। तो इसलिए ये पूरा बेनिफिट उठा रही है अपने इस एरा का। इनके टाइम पर आया एआई, इनके टाइम पर आया ऑटोमेशन और नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो गया, तो अगेन इनको एक बेनिफिट जो है वो अच्छा मिलने वाला है। तो इसलिए आप इस जनरेशन को देखोगे ये सबसे ज़्यादा टेक सेवी है, सबसे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक जनरेशन है, मटेरियल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, और इनकी परचेजिंग पावर बहुत पीक पर है, बहुत हाई पर है इनकी परचेजिंग पावर, क्योंकि पैसा बहुत कमा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इनके साथ है। इन सब बात का जो कंक्लूजन है वो क्या है, देखिए इन सब बात का कंक्लूजन ये है कि जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं पता होगी, आपको ये नहीं पता होगा आपको ओवरकम क्या करना है। तो जो जेंजी वाले हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा उनके इतना इन्फॉर्मेशन लोडेड है कि वो एक डायरेक्शन नहीं ले पाते, वो पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं ले पा रहे, ना वो रिलीजन पे बिलीव कर रहे हैं, समहाउ नहीं कर रहे, ठीक है, या फिर ना ही मतलब जेंजी में ये भी बहुत ज़्यादा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एकदम एथिस्ट हैं कि हाँ हम एकदम मानते ही नहीं हैं भगवान को, और कुछ हैं जो एकदम मानते हैं, लेकिन जेंजी में ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम इस पर कमेंट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी पावर है लेकिन हम जानते नहीं हैं तो इस पर हम बात भी नहीं करेंगे। तो ऐसे भी जनरेशन है जेंजी में, ऐसे भी बच्चे हैं। तो एक्चुअली में इनको वहाँ पर ही पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से, फिर इन्फॉर्मेशन कई बार फेक रह रही है, इनके साथ वो प्रॉब्लम है। इनके टाइम पर पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। हर एक जनरेशन अपने अपने चैलेंजेस को जीती है और उसको ओवरकम करना वो उस इंडिविजुअलिटी पर होता है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो उनको पता था कि उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको शहर मतलब शहर आना है गांव से मूव करते हुए, तो वो जनरेशन पूरी दबा के शहर में आनी स्टार्ट हुई थी जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी। तो आप जिस जनरेशन में लाइक करते हैं, चाहे अल्फा हो, चाहे वाई हो, और चाहे आपका एक्स हो, और चाहे आप जेन जी में हो, आपको ये पता होना चाहिए आप कौन से कंक्लूजन में। और हर एक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप जानते होंगे, हर कोई अपने चैलेंजेस को जो अपने उसको ओवरकम कर लेगा वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। जेंजी वाले भी बेटर कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा से रहा है और तभी जीने का मजा भी आता है। प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो लाइफ बोर्डम में चली जाएगी, मोनोटोनस चली जाएगी, एकदम एक जैसा लगने लग जाएगी दुनिया। इसलिए प्रॉब्लम्स आनी भी कई बार सही होती है, और इसी से हम अपने आप को अपग्रेड भी करते हैं और अपडेटेड भी रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, बातें समझ में आई हैं, आपको लगा है कि आपको एक कनेक्शन मिला है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और प्यारा से कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई आपकी डिमांड है तो कमेंट बॉक्स को आप अपना फोरम समझिए, अपना दोस्त समझिए, लिखिए, हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे, जितना हो सकेगा हम डिमांड पूरी करने की कोशिश करेंगे।